बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समन आया था आज के लिए और हमने हमेशा जुडिशरी की रिस्पेक्ट की है, कोर्ट की रिस्पेक्ट की है, एज अ स्पीकर भी, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी और उसके बाद भी और आज भी जब भी हमें कोर्ट बुलाती है हम पेश हो जाते हैं। मैं आज चाहता हूं कि एक मीडिया की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जब आप लगाते हैं ख़बर कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुझे बुला लिया गया, तो आई हैव नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। और 2008 में या 2009 में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था? आज भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है दैट इज सब्जेक्ट इज बिफोर द कोर्ट एंड दे हैव येट टू टेक अ डिसीजन, दे हैव नॉट डिसाइडेड एज येट। तो इसलिए मैंने जो एलिगेशन था मेरे ऊपर वो ये था कि मैंने जो किंग ने, सऊदी अरेबिया के किंग ने दो कारें दी थी, एक फारूक लगारी साहब को और एक अपने हिस्से की जो कार थी वो उन्होंने ले ली। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क में नहीं थे, वो एग्ज़ाइल में थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक मेरी कार भी है जो सऊदी किंग ने दी थी जनरल मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ ने या पता नहीं किसने, उन्होंने तो फारूक लगारी को दे दी है, मगर मेरी जो है मुझे भी वैसे ही दी जाए। तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ऑर्डर किया, एज़ पर लॉ आप मियां साहब को उनकी जो कार गिफ्ट में मिली है रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक उनको दे दें, और उन्होंने दे दी। और रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं उसका कोई छोटा ऑफिसर नहीं होता, सेक्रेटरी कैबिनेट होता है, और जो वैल्यू असेस की जाती है वो एफबीआर असेस करती है। अब अगर सेक्रेटरी जो हैं कैबिनेट या तमाम मिनिस्ट्री प्रोसेस केस वो करते हैं और एफबीआर असेस करती है वैल्यू का, और इसी ही तरीके से जरदारी साहब को भी तीन कारें गिफ्ट की गई मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों ने, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि जैसे फारूक लगारी साहब को दी गई है, जैसे नवाज शरीफ साहब को दी गई है, मुझे भी दी जाए। उनको भी रूल्स के मुताबिक हमने कहा कि रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उनको ये कार दी जाए। अब उसकी असेसमेंट जो है कार की वो मैंने नहीं करनी, एफबीआर ने करनी है। रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो जो करना है वो सेक्रेटरी इज़ नॉट लेस देन ग्रेड 22 ऑफिसर, द हाईएस्ट जो कैपेबल जिसको समझा जाता है दैट इज़ ए सेक्रेटरी कैबिनेट। अब वो प्रोसीजर जब फॉलो किया गया और फिर थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे पास आया टू पुट अप फॉर ऑर्डर्स, मैंने रूल्स के मुताबिक वो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब मुझे ये बताएं वेयर आई वेंट रॉन्ग, कि अगर नहीं बनता था तो समरी मुझे नहीं आनी चाहिए थी, अगर नहीं बनता था वैल्यू कम थी तो एफबीआर को असेस करनी चाहिए थी, और आज भी अगर उनको इतराज़ है कि वैल्यू असेस सही नहीं हुई तो वैल्यू असेस कर सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनको नहीं मिलनी चाहिए थी तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक, आपने देखा उसके बाद भी और आज के दौर में भी कारें बिकती गई हैं। तो इसलिए आई हैव नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज़ नॉट माई जॉब और नाइदर आई एम अ बेनिफिशरी, क्योंकि मेरी पर्सनल इंटरेस्ट में कोई थी नहीं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम्प्लीट इम्यूनिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज इन गुड फेथ, वट एवर आई हैव डन इट वॉज इन गुड फेथ एंड नॉट इन माई पर्सनल इंटरेस्ट। तो इसलिए आपको ये करेक्शन करनी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का जब हम नाम लेते हैं हेडलाइन तो बन जाती है कि मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में बुला लिया गया है,
मगर मनी लॉन्ड्रिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैंने जो भी काम किया है रूल्स के मुताबिक किया है, प्रोसीजर्स के मुताबिक किया है, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर भी था तो मैं आई प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर मैंने अपनी ओहदे को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए आई वॉज अंडर ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज गॉट कम्प्लीट इम्यूनिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, एंड द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड ही इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन। हाउ कैन आई हैंड ओवर द प्रेजिडेंट टू अ स्विस मैजिस्ट्रेट? उसकी क्या हैसियत है स्विस मैजिस्ट्रेट की? अब आपने कोई केस चलाना हो आप चला सकते हैं, मगर जब उनको इम्यूनिटी थी, अगर मैं उनके ऊपर केस चलाता या मैं आई वुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द स्विस मैजिस्ट्रेट, तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगता, जैसे आज जनरल मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगा है तो मेरे ऊपर भी लगता। तो इसलिए मैंने कभी कोई काम रूल्स प्रोसीजर के खिलाफ नहीं किया। मैं नायब ज़्यादा नहीं हूँ, नायब ज़्यादा हूँ। मैं पहले भी 5 साल अकॉर्डिंग टू नैब लॉज मैं जेल में जा चुका हूँ, और अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल 10 साल रह चुका हूँ, और बाइज़त बरी हुआ हुआ हूँ, और जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया था वो मेरे वज़ीर बन गए, मैं उनका वज़ीर आज़म बन गया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम कोर्ट कचहरियों से अदालतों का एहतराम करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फेस किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी फेस किया, और उसके अलावा जरदारी साहब ने भी फेस किया, मैंने भी फेस किया, राजा साहब भी फेस कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के तमाम लीडरान कराम फेस कर रहे हैं। टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई हैव नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बता दें देखें, प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्यू प्रोविंसेस। Therefore, as the Prime Minister, he should be very judicious and he should carry all the provinces along and he should carry all the political parties along. Rules ke mutabik kiya hai, procedures ke mutabik kiya hai, aur maine jab Prime Minister bhi tha to I protect the constitution, magar maine apni ohde ko protect nahi kiya. Isliye I was under oath to protect the constitution. The President of Pakistan has got complete immunity inside and outside the country, and the President of Pakistan is the supreme commander of the armed forces, and he is the symbol of federation. How can I hand over the President to a Swiss magistrate? Uski kya haisiyat hai Swiss magistrate ki? Ab aapne koi case chalana ho, aap chala sakte hain. मगर जब उनको इम्यूनिटी थी, अगर मैं उनके ऊपर केस चलाता या मैं आई वुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द स्विस मैजिस्ट्रेट, तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगता, जैसे आज जनरल मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगा है तो मेरे ऊपर भी लगता। तो इसलिए मैंने कभी कोई काम रूल्स प्रोसीजर के खिलाफ नहीं किया। मैं नायब ज़्यादा नहीं हूँ, नायब ज़्यादा हूँ। मैं पहले भी 5 साल अकॉर्डिंग टू नैब लॉज मैं जेल में जा चुका हूँ, और अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल 10 साल रह चुका हूँ, और बाइज़त बरी हुआ हुआ हूँ, और जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया था वो मेरे वज़ीर बन गए, मैं उनका वज़ीर आज़म बन गया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम कोर्ट कचहरियों से अदालतों का एहतराम करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फेस किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी फेस किया, और उसके अलावा जरदारी साहब ने भी फेस किया, मैंने भी फेस किया, राजा साहब भी फेस कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के तमाम लीडरान कराम फेस कर रहे हैं। टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई हैव नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बता दें कि देखें, Prime Minister is the Prime Minister of Pakistan. He is not the Prime Minister of few provinces.
Therefore, as the Prime Minister, he should be very judicious and he should carry all the provinces along and he should carry all the political parties along. Thank you.